आगर अकोला मार्ग पर बनी बरोड़ा फाटे के पास इंडिका कार को सोमवार की रात अचानक लगी आग के कारण इस मार्ग पर खलबली मच गई थी। यह आग कैसे लगी इसकी जानकारी अब तक नहीं मिल पाई है। अकोला से आकुट की तरफ जा रही चलती कार में अचानक आग लग गई। संभावना जताई जा रही है कि कार के इंजन में स्पार्किंग के कारण यह आग लग सकती है। इस आग में कार पूरी तरह से जलकर खाक हो गई है। इस घटना में किसी भी प्रकार की जीवनहानि नहीं हुई। घटनास्थल पर पुलिस भी पहुंची थी, परंतु तब तक आग ने इंडिका कार को पूरी तरह से अपने चपेट में ले लिया था। यह इंडिका कार किसकी थी और कहां जा रही थी इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। इंडिका कार में लगी भीषण आग के कारण आकुट अकोला मार्ग का यातायात काफी समय तक के लिए बाधित हो गया था। इस घटना की जानकारी पाते ही घटनास्थल पर फायर ब्रिगेड के कर्मचारी भी पहुंचे थे, जिन्होंने इंडिका कार में लगी आग पर काबू पाने का प्रयास किया। तब तक आग ने पूरी कार को अपने चपेट में ले लिया था। कार से उड़ते आग के शोले काफी दूर से नजर आ रहे थे। इस घटना को देखने के लिए यहाँ वाहन चालकों की भारी भीड़ लगी थी। यह आग इतनी भीषण थी कि इसमें कार पूरी तरह जलकर खाक हो गई।